नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन इसके लिए कर रही है और दिल्ली के प्रदर्शन में अलका लांबा भी शामिल हुई। दिल्ली के अलावा राज्यों की राजधानियों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो नीट के पेपर को लेकर हंगामा है। जो छात्र हैं जिन्होंने इसमें पेपर दिया था वो भी नाराज हैं और अब राजनीतिक रूप भी इस मामले ने ले लिया है और कांग्रेस भी इस मामले में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक का होने के खिलाफ जो कांग्रेस का आज प्रदर्शन हो रहा है उसकी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके लिए इकट्ठा हुए हैं जगह जगह पर। आज देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से इस सिलसिले में किया जा रहा है। नीट मामले में आप जानते हैं कि कई सारे टॉपर्स देखने को मिले थे, उसके बाद बच्चों में जो है वो थोड़ा नाराजगी इसको लेकर थी। कई सारे सवाल खड़े हुए कि कैसे एक ही सेंटर से कई सारे टॉपर्स जो है वो आ गए, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के इतने नंबर्स कैसे आए। तो ये तमाम मामलों को लेकर पेपर लीक के आरोप तक इसमें लगे। उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई बिहार में कई, और उसके बाद कबूलनामा जो आया उसमें तमाम खुलासिया इस मामले में होते चले जा रहे हैं और अब कांग्रेस का प्रदर्शन भी इस सिलसिले में यहाँ पर हो रहा है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत, अब कांग्रेस भी इसको लेकर सरकार को घेर रही है, अलग अलग जगह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कांग्रेस की तैयारी है आज इस प्रदर्शन को लेकर? जी देखिए, दो दिनों पहले ही कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल जो है संगठन महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने पूरे देश के पीसीसी प्रेसिडेंट यानी राज्य इकाई के जो अध्यक्ष होते हैं उनको, सारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इसके अलावा जो जितने इंचार्ज हैं अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के, उन सबको एक पत्र लिखा था कि नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली और अनियमितताएं की शिकायतें आई हैं उसको लेकर पूरे देश भर में जितने भी मुख्यालय हैं, राज्य मुख्यालय, जो जो राज्य की राजधानियां हैं और दिल्ली, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के तहत आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और डिमांड पार्टी की तरफ से वही है जो हम दो दिनों से देख रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कांग्रेस पार्टी और उनके बाकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड यही है कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए, इसकी जाँच की जाए, जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उसकी जांच की जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए ताकि छात्रों को, जो गरीब छात्र हैं उनको न्याय मिल सके। तो इसको लेकर आज देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली में भी आज 21 तारीख को उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन इस मामले को अगर देखें तो अब तक का काफ़ी प्रोग्रेस इसमें हो चुकी है, तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि वो इस मामले में बिल्कुल भी तमाम चीज़ों पर जो है उनकी नज़र है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी? अब तक जो प्रोग्रेस हुई है उससे किस दिशा में मामला आगे यहाँ पर बढ़ रहा है? अब ये फैसला जो है वो सरकार को लेना है कि दोबारा कराई जाए नहीं कराई जाए, लेकिन इन आरोपों में अब गवाही भी सामने आई किस तरह से बच्चों को पेपर हटाए गए, तो अब किस दिशा में जाता हुआ लग रहा है मामला? नहीं देखिए, कल धर्मेंद्र प्रधान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें मुझे ऐसा लगा कि वो दो तीन चीजें कहने आए थे। पहला ये कि उन्होंने कहा कि वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि लगातार उन पर हमला हो रहा है विपक्ष की तरफ से और धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी की मांग की जा रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमिटी बनाई गई है जो एनटीए के कामकाज की समीक्षा करेगी, कैसे परीक्षा की प्रक्रिया क्या हो इसकी समीक्षा करेगी। लेकिन तीसरी बात, जो अहम बात उन्होंने कही कि पटना में जो बिहार सरकार की आर्थिक अपराध शाखा है उसके अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, उसमें कुछ बड़े सबूत सामने आए हैं, उसमें कई बड़ी बातों का खुलासा हुआ है। तो अभी एक दो दिनों में, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि एक दो दिनों में कुछ और भी पटना पुलिस की तरफ से जो पटना में तहकीकात चल रही है उसकी उसकी जानकारियां आ जाएंगी। कल भी आर्थिक अपराध इकाई जो है उसके अधिकारियों को बुलाया गया था, उनकी बैठक हुई थी धर्मेंद्र प्रधान और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, उसमें उन्होंने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी और एक दो दिनों में ये और भी कुछ सबूत पटना पुलिस की तरफ से मुहैया करवाए जाएंगे। तो
ये आने के बाद ही सरकार मुझे लगता है कि इस पर आगे कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन एक तरीके से जिस तरह से लगातार सबूत आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से पहले ही प्रश्न पत्र आ गया था, अगर इसी तरह के सबूत पटना पुलिस की तरफ से शिक्षा मंत्रालय को दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय के पास शायद ही कोई विकल्प बचे, बल्कि बचे इसके अलावा कि परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तो मुझे लगता है अगर ये सबूत इसी तरह के आते हैं तो सरकार को परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन जैसा कल धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा था कि एक दो दिनों में कुछ और तथ्य, कुछ और सबूत सामने आ जाएंगे, तभी वो इस मामले में कोई फैसला कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ही सबूत आता है तो बिल्कुल रद्द करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत आपका। तो अब सवाल यही है बड़ा कि क्या नीट की परीक्षा को रद्द किया जाएगा, और किया जाएगा तो कब तक इस पर फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ा है, इसमें जो है आरोप लगे पर्चा लीक होने के, उसके बाद ये प्रदर्शन भी होता हुआ दिख रहा है, बच्चों में एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से भी ये मामला जो है वो काफ़ी गर्मा रहा है। ये कांग्रेस का प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन इस मामले को लेकर किया जा रहा है। उधर लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी तनिष्क जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट आप अपने सामने देख सकते हैं, एक बहुत ही जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। एनईटी और नीट के अंदर जो इरेगुलरिटीज हुई है उसके खिलाफ आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेडिंग के उस तरफ जाने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं अपने सामने वहाँ पे आगे हैवी पुलिस सिक्योरिटी भी है, हैवी पुलिस सिक्योरिटी, और यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहा है नीट और नेट एग्जामिनेशन के अंदर जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उसके खिलाफ। याद करिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे पुलिस भी है और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी वर्कर भी मौजूद हैं, वो वहाँ पे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और माफ करिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये है कांग्रेस पार्टी वर्कर्स, यहाँ पर अजय राय भी मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, और यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं सारे के सारे कांग्रेस पार्टी वर्कर्स ये मौजूद हैं, और आप जा रहे हैं वो ये कांग्रेस दफ्तर के पास है ये, और नीट और नेट के एग्जामिनेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, हाल ही में नीट एग्जामिनेशन के ऊपर कई सारे सवाल उठे हैं और नेट एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें बोला गया कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, उनके खिलाफ भी यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, और लगातार बात चल रही है पेपर लीक को लेकर कि कब तक ऐसे पेपर लीक होएंगे। अब आपने सामने देख सकते हैं ये सारे मौजूद हैं यहाँ पर, और पुलिस भी है यहाँ पे, डिटेन भी हो सकते हैं कुछ प्रोटेस्टर्स कांग्रेस पार्टी के। तो आप देख सकते हैं सारे कांग्रेस पार्टी वर्कर्स मौजूद हैं यहाँ पर, प्रदर्शन कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ, और ऑफ कोर्स धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी।